आज का परफॉर्मेंस देख के तो काफी मजा आ रहा है, तो अब भी सेलिब्रेट करके फिर थकावट की तरफ जाओगे अगले मैच तक या पूरा सीजन में सब काम करोगे आप? अब कोई आराम नहीं करना, जिस जज्बे के साथ हम उतरे हैं, जिस जज्बे का जीते हैं, वो जज्बा आगे कंटिन्यू करके जाना है। अब कॉन्फिडेंस वापस आ गया टीम में, क्योंकि दो हार के बाद थोड़ी निराश होगी टीम, थोड़ा डिमोटिवेट होगी, बट आज जैसे परफॉर्मेंस की है, मैं जितनी तारीफ करूँगा कम है, पूरी टीम सब बहुत बढ़िया थी। अर्षद को आज आप ओपनिंग भी कराइए, काफी चेंजेस भी किए हैं, काफी अच्छी बॉलिंग भी करी है, तो प्लानिंग पहले से थी क्या अर्षद को? हमने पहले ही करी थी प्लानिंग हमारी टीम में कि पहले अर्षद को ओपनिंग करेंगे और बॉलिंग करवाएंगे एक बारी, तो इसीलिए पहले सब कुछ प्री प्लान था, ऐसा कुछ नहीं था कि हम ऑन द गो करके कुछ कर रहे हैं। एक हैंड्रेड आपकी टीम से भी आ गया, काफी अच्छा लगा, और अब लग रहा है कि जो आगे मैच होने वाले काफी टफ और काफी अच्छे होने वाले, तो बैटिंग के बारे में कुछ बताया कि आप बॉल लगने लगे फुटबॉल जैसे जैसा खेल रहे हो? बिल्कुल कॉन्फिडेंस था, आज शुरू में थोड़ा टाइम लिया, उसके बाद जो बॉल है वो अच्छा दिख रहा था, बैट पे अच्छा आ रहा था, टाइम लेने के बाद इजिली जो मेरे शॉट थे वो मैं इजिली खेल पा रहा था। लेकिन जो आने वाले मैच है या तो आपके लखनऊ बॉम्बे दोबारा भी हो सकता है या फिर एलवी शादा हरियाणा एंटर के साथ, तो तीनों के लिए तैयारी है फुल? हाँ फुल पावर, कोई टेंशन। लेकिन आपके जीत से जो है आज फुकरा भार हो गए हैं कभी खुशी कभी गम काफी लिए उन्होंने हमारे और मैं हम रात के बैठ के बात कर रहे थे मैच के बाद हम हारने का फीफा खेल रहे थे, मैंने कहा तुझे फीफा में तो हराता हूँ तुझे, कल मैं जीत नहीं पाया तो हम यही बात कर रहे थे कि या तो हम बाहर होंगे या तो तुम अंदर होंगे, आज जब इस के मजे लूंगा कंप्यूटर में, बट वो चेक आउट कर चुके वो चेक टू आर बॉयज फुकरा भाई का चेक आउट करा दिया, लेकिन फुकरा भाई तो बुरा मान जाएंगे, आपने लीग से बाहर करवा दिया। नहीं यार गेम है यार, अगर हम भी बाहर होते तो हम बुरा थोड़ी मानते हैं, मतलब ठीक है इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। कल बहुत खुश थे लग रहे थे वो कि यार अब तो बस पंजाब की तरह, वो मैं बता रहा हूँ वो 5:30 बजे से पहले खुशी होगा, उसके बाद आधे घंटे बाद उदास हो जाएगा। अभी फिर आगे क्या प्लानिंग है, मतलब कैसे देख रहे हो और क्योंकि दो तीन दिन बचे हुए हैं? जी अभी हम जो जिस स्ट्रेटेजी के साथ उतरे थे, जिस लाइनअप के साथ उतरे थे, जिन चीज़ों के साथ उतरे, जिन मोटिवेशन के साथ उतरे थे, हम वही कंटिन्यू करेंगे और हम उसी को आगे ले जाएंगे। मे बी इक्का दुक्का चेंजेस हो सकते हैं जो सिचुएशन के हिसाब से होगा। फाइनल में किसे देख रहे हैं? फाइनल में किसे देख रहे हैं? अभी लखनऊ को देख रहे हैं। अपने साथ या अपने साथ भाई आपके साथ लेकर ना तो ओके थैंक यू।